सम्या की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मटर की दाल। मटर की दाल सर्दियों में बहुत ही ज़्यादा बनाई जाती है। हमें सामग्री चाहिए। बनाना शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए सम्या की रसोई चैनल को। मैंने यहाँ छिले हुए हरे मटर लिया है और इसको मिक्सी के जार में दरदरा पीसना है। देखिए पीस गया है। अब टमाटर, अदरक, लहसुन तीनों को पीसना है बारीक। अब एक पैन लेंगे, उसके अंदर सरसों तेल डालेंगे। सरसों तेल गर्म होने पे इसमें जीरा डालेंगे, हींग। मैंने यहाँ पे अदरक, लहसुन और टमाटर को एक साथ पीसा था, उसका मैंने यहाँ पेस्ट डाला है। अब इसको अच्छे से पकाएंगे। जब पक जाएगा तो तेल छोड़ने लगेगा। देखिए तेल छोड़ने लगा है। अब इसके अंदर सारे मसाले डालेंगे। लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। देखिए मसाले सारे पक चुके हैं, तेल चारों तरफ से छोड़ने लग गया है। इसके बाद हम पिसी हुई दरदरा मटर डालेंगे। देखिए मिल गया है। अब इसको 2 मिनट तक भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि जले नहीं, और बीच बीच में चलाते रहना है। अब इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी को हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको गाढ़ी दाल पसंद है तो कम डालिए, अगर पतली पसंद है तो ज़्यादा डालिए। इसको चलाते रहना है जब तक कि ये अच्छे से पक न जाए। इसको बीच में छोड़ना नहीं है, नहीं तो ये फट जाएगा। जैसे कि हम कढ़ी बनाते समय वो जब तक खोल नहीं आता है, जब तक हम उसको चलाते रहते हैं, वैसे ही करना है। मटर की दाल पक चुकी है। अब इसको मैं देखिए चला नहीं रही हूँ। अब इसमें हरा धनिया डालेंगे, ऑप्शनल है। अब गैस ऑफ करेंगे। मटर की दाल खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और गर्मा गर्म चावल या रोटी के साथ आप खा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए ईट हेल्दी, बी हेल्दी। बाय बाय।